बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया तभी सही बुखारी की हदीस है वसल्लम फरमाते हैं बकर के इन तीन दिनों में अल्लाह तबारक वालक नजीक इबादत में और अल्लाह तबारक व तालक नजीक तमाम अमाल में सबसे ज्यादा महबूब तरीन अगर कोई अमल है तो फरमाए को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी पेश करना है एराकी दम यानी जानवर का खून बहाना है छुरी से जानवर का खून आप बहा रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह जिबा कर रहे हैं, और मैं खून बहाने से बड़ा अमल तीन दिन में कोई अमल है ही नहीं सबसे बड़ा अमल और इन तीन दिनों में अल्लाह तबारक व ताला कि हाँ कबूलियत का आलम क्या होता है बस इन तीन दिनों में झोली फैलाओ बढ़ती चली जाती है अहल दिल अहले दिल कहते हैं कि गैब के अंदर एक इनकलाब बरपा होता है पूरे आलम के अंदर कुर्बानी हो रही हैं यहां तक कि अल्लाह तबारक वाल के घर में वह हाजी आशान खुदा वहां पहुंचकर वो कुर्बानियाँ कर रहे हैं पूरे आलम के अंदर जानवर ज़िबा हो रहे हैं तो अल्लाह तबारक व ताल की खुशी का आलम क्या होगा फरमा के फिर उस वक्त कोई भी माहरूम नहीं किया जाता अल्लाह तबारक वाल सबकी झोरियां भर देते इसलिए यह कुरबानी इस कुर्बानी को पूरे शौक और जज्बे के साथ अभी से करने की तैयारी बांधो कि अल्लाह ये कुर्बानी अपने शौक के साथ करना चाहते हैं तभी खौफ के साथ नहीं कि यार अगर कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे यार अगर ये सोच के कुर्बानी की तो क्या कुर्बानी की मजबूरी की कुर्बानी क्या कुर्बानी हाँ शौक मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक वाल के शौक मोहब्बत से जब कुर्बानी करता है तो अल्लाह तबारक वाले उसकी कदर करते हैं चाचे लिखा है एक मरतबा शुएब शुयब असलात व्लाम ज़ारताार रो रहे हैं रो रहे हैं तो अल्लाह तबारक व ताल वही बेजी माँ हाजल बका अ शुएब ये कैसा रोना है क्यों रोता है शौकन इल जन्नती अशौकन इल जन्नति और ख़ौफन नार, क्या जन्नत के शौक़ में रोता है तू या जहनुम के खौफ से रोता है किस वजह से रोता है हज़े शुएब उ सलातम से अल्लाह बात कर रहे हैं वही आ रही है शेबलाम ने फ नहीं ना तो मैं जन्नत के शौक़ से रो रहा हूँ और ना मैं जहन्नम के खौफ से रो रहा हूँ मैं तो आपसे मुलाकात के शौक में रो रहा हूँ आपसे मुलाकात के शौक में रो रहा हूँ कि जिसने दुनिया के अंदर जिसने अपने इतनी नियमती अता की और इबादतों की ऐसी लज्जत दी और सईदों का ऐसा सरूर जिसने अता किया है कब वो वक्त आया कि मैं उस महबूब को अपनी आंखों से खुद देखूंगा मैं तो इस शौक़ में रो रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताल शुब तेरे अगर मुलाकात के शौक़ का ये आलम है तो बस आज मैंने तेरी इस जज्बे को कबूल कर लिया तो जन्नत के अंदर शाला आएगा और अग्षार। 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 तो मेरा दीदार करेगा अल्लाह तो गो के देखिए तो शौक़ जब बंदा पेश करता है तो अल्लाह तबारक वाल उसकी कदर करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक वताल ऐसा भी कदरदान है कि अगर खौफ की वजह से भी इबादत बंदा पेश करे तो अल्लाह उसकी भी ना कदरी नहीं करते बल्कि अल्लाह तबारक वाल उस पर भी जन्नत का फैसला कर देते हैं तभी कुरान में ऐलान कर दिया वह मन खाफ मकाम रब ही कि जो अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़े होने से डरा खौफ किया उसने वाना नफ्सा निला और अपने नफ्स को गुनाहों से रोका तो फ्नल जन्नत ही मावा जन्नत उसका ठिकाना बना दिया तो गोया कि अल्लाह के खौफ की भी कदर है खौफ कोई मामूली चीज नहीं है खौफ की भी कदर है और मैं खौफ के साथ ही भले तुम मेरी इबादत करो शौक के साथ इबादत करना तो चलो ऊंचे लोगों का काम है लेकिन तुम खौफ के साथ ही अगर तुम मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे खौफ की कदर ऐसी करूंगा तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा लेकिन खौफ के साथ तुम मेरी तरफ बढ़ो तो सही तभी हदीस में आता है कि अगर कोई मोहमी बंदा अल्लाह के खौफ से रोया और एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर उसकी आंखों के अंदर आ गया तो अल्लाह तबारक वतार उस एक आंसू के जरिए से उसकी जानों को बुझा देते तो अल्लाह के खौफ की भी कदर देखो कैसी है कि अल्लाह तबारक वतार उस खौफ पर भी उसको जन्नत की बशारत दे देते हैं।